What a day. भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया. हमारे बेटे का घर बस गया. हम एक और जिम्मेदारी से मुक्त हो गए. है ना आशा? मुक्त नहीं, एक जिम्मेदारी बढ़ गई है. ओफो आशा, छोटी सी बात है, भूल भी जाओ. छोटी सी बात? विदाई के वक्त कशिश का अपने घर में लौटना छोटी सी बात है? जानते कितना बड़ा अपशगुन होता है? ये क्या तक क्यों उसी बातें कर रही हो? शगुन अपशगुन उस वक्त हुआ करता था जब हम जवान थे. आज हमारे बच्चे जवान हो गए. वो हमारी बहू जरूर है, लेकिन उसके पहले राहुल की पत्नी है, और राहुल ने तो उसे खुद. आशा, राहुल पढ़ा लिखा, समझदार और मॉडर्न जमाने का है. अगर मॉडर्न जमाने का मतलब हर रीति रिवाज से मुंह फेरना है, तो फिर शादी की रस्म भी क्यों? ले आते बहू को बिन ब्याहे. मॉडर्न जमाना जो ठहरा. आशा, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों मॉडर्न जो ठहरे हम, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर आपका मॉडर्न बेटा और आपकी मॉडर्न बहू क्या गुल खिलाएंगे? मुझे तो रह रहकर घबराहट हो रही है. भगवान ही माफ करे आपके बहू की गलती को. चलो माफ कर दिया. मैं आपसे नहीं, भगवान से कह रही हूँ. माना कि ये बात बहुत पुरानी है आशा, लेकिन आज से 30 साल पहले अग्नि को साक्षी मानकर आपने हमारे साथ फेरे लिए थे और हमें अपना पति परमेश्वर माना था, यानी भगवान. तो भगवान ने माफ कर दिया. आपको हर वक्त मजाक सोचते रहता है. आशा, गुस्सा थूक तो अब. रात जो हुआ ठीक नहीं हुआ. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ. बस. Do you know the significance of this? हाँ. माँ was telling me कि अगर तुम हर गांठ बिना कलीरा तोड़े खोलोगे तो you help me solve my problems all my life. तो ये लीजिए, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. Thanks a lot राहुल. हाँ, अभी नहीं, अभी दूसरा बाकी है. Thanks एक साथ ही कहते ना. मैं इसके लिए नहीं कह रही थी. फिर? तुमने समझा कि मेरा महक से मिलना कितना ज़रूरी था. It really meant a lot to me. मैं जानती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे बहुत अपसेट होंगे. I hope they don't misunderstand me. No one will misunderstand you. और फिर आज जो हुआ, उसकी जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उतनी मेरी, शायद मेरी थोड़ी ज़्यादा. And then according to me, तुम्हें इस घर आना ही था. 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन इन 10 मिनट की महक को ज़्यादा ज़रूरत थी. That things like me. जहाँ तक माँ का सवाल है, उन्हें हम समझा देंगे. ये लो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. You know she was so upset. I just couldn't leave without meeting her. तुम नहीं जानते. मैं सब जानता हूँ. अगर नहीं जानता तो तुम्हें महक के पास भेजता. I just don't understand कि समीर ने ऐसे किया और उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है राहुल. But this time he's just crossed all limits. उसने महक को बहुत हर्ट किया है. मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम उसके दोस्त हो राहुल. कल को कुछ हो गया. समीर मेरा दोस्त है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और महक तुम्हारी बहन. क्या तुम्हें लगता है कि मैं महक का बुरा चाहूंगा? या उसे हर्ट होने दूंगा? नहीं ना. Trust me. I'll just change and come. Okay. समीर, अभी तक सोई नहीं बेटा? नहीं माँ, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ. It's not fair. What's not fair, बेटा? Mom, जानबूझकर आप अनजान बनने की कोशिश मत करिए, please. समीर, take it easy. Mom, आज राहुल की शादी थी, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, ना कि अलीबाग, जहाँ डैड ने मुझे भेजा था. जानबूझकर deliberately. जरूर कोई important काम होगा, वरना तुम्हारे डैड. Important काम ये था कि डैड चाहते थे कि मैं जाऊँ, सिर्फ जाऊँ बस. उनके लिए लैंड के पेपर साइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. शादी तो रोज होती रहती है, फिर कभी हो जाती, लेकिन अगर लैंड के पेपर साइन नहीं होते ना तो कयामत आ जाती. अगर शादी पे जाना इतना जरूरी था तो तुमने डैड को समझाया क्यों नहीं? समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है. डैड को मालूम नहीं कि राहुल मेरा कितना अच्छा दोस्त है. बट द फैक्ट इज किसी और को समझना डैड की फितरत ही नहीं है. आहिस्ते समीर, डैड जाग जाएंगे. नहीं मॉम, डैड नहीं जागेंगे. आज तो वो आराम से सो रहे होंगे, क्योंकि आज फिर वही हुआ जो वो चाहते हैं. और जब तक मैं जिंदा हूं वही होगा. व्हाट्स योर प्रॉब्लम समीर? नो प्रॉब्लम्स डैडी, नो प्रॉब्लम्स. मैंने पेपर साइन कर दिए और वो पेपर्स कल तक आ जाएंगे. रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाकर सो जाओ. जी, गुड नाइट मैम. गुड नाइट. तुम भी सो चलो. या वो खुद को चोट लगा लेते हैं तो उस चोट के दर्द का सीधा असर माँ बाप के सीने पर होता है या दिल पर. कशिश चली गई ना पापा? हाँ बेटा. और समीर भी नहीं आया? I don't care पापा. I know you don't mean it. बेटा महक ये जो इंसान है ना कठपुतली होता है. उसके धागे वहाँ ऊपर किसी और के हाथ में होते हैं. वो नचाता है, हम नाचते हैं. बेटे इंसान हालात के हाथों बिल्कुल मजबूर होता है. वो सोचता कुछ है, करना कुछ चाहता है, होता कुछ और है. हो सकता है समीर के साथ भी. मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती पापा. तो बेटा इंसान फैसले करता है, करना भी चाहिए. लेकिन बेटे जिंदगी के फैसले तूफान के थपेड़ों की गिरफ्त में रहकर नहीं किए जाते, क्योंकि जब तूफान आता है तो ऐसा महसूस होता है कि वो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर तूफान थमता है, कुछ कड़वी निशानियां जरूर छोड़ कर जाता है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है बेटे, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। I really don't want to talk about him, Papa. ठीक है, नहीं करते ये बात, लेकिन बेटे तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आज अपने पापा के साथ चलकर सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। आज तेरे पापा को तेरी जरूरत है। क्या बात है शमा? कुछ नहीं। नींद नहीं आ रही क्या? आ जाएगी। देखो ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो बात क्या है। समीर के साथ इस तरह पेश आना चाहिए था। क्या किया है मैंने? आप अच्छी तरह जानते मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो शमा, तुम फिर से उसकी तरफदारी कर रही हो। समीर अब बच्चा नहीं रहा। उसे इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि उसकी हर जिद पूरी नहीं हो सकती। कैसी जिद? वो सिर्फ राहुल की शादी में जाना चाहता था और आपने उसे अलीबाग भेज दिया। मैंने जो कुछ भी किया है एकदम ठीक किया है शमा। आज न सही एक रोज तुम इस बात को जरूर समझ जाओगी। और समीर? क्या समीर ये बात कभी भी समझ पाएगा? उसे समझना होगा। अच्छे बुरे का इल्म औलाद से ज्यादा उनके वालिदैन को होता है, इसलिए उनके कदम डगमगाने से पहले हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उन्हें थाम लें। लेकिन समीर ने ऐसा किया क्या है? क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी दोस्त की शादी में? देखो शमा, तुम और मैं हम दोनों इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि समीर वहां सिर्फ शादी में शरीक होने नहीं जा रहा था। अगर हम दोनों इस बात से वाकिफ हैं, तो सच्चाई से मुंह क्यों फेर रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि समीर महक को... बस खामोश हो जाओ शमा। इसके आगे एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। समीर का यह बचपना जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। और आइंदा से मैं इस बात पर कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहूंगा, समझे तुम? आंखें बंद कर लेने से अंधेरा तो नहीं हो जाता? लेकिन जहां आंख खुले सवेरा वहां जरूर होता है शमा। हमें इस बात को यहीं दफन कर देना चाहिए। देखिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। समीर उसे बेहद चाहता है और महक भी तो बहुत प्यारी बच्ची है। आखिर आप शमा, अगर तुम्हें सुनने का इतना ही शौक है तो पहली और आखिरी बार कान खोलकर सुन लो। मैं ऐसी किसी भी बात की हौसला अफजाई नहीं करूंगा जो बुनियादी तौर पर गलत हो। वो एक प्यारी बच्ची हो सकती है, बेशक हो सकती है, लेकिन समीर के लिए नहीं। समीर मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी तरफ से किसी भी किस्म की मायूसी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शमा, हम में और उनमें जमीन आसमान का फासला है जो 2, 4 या 10 कदम चलकर भी मिट नहीं सकता। अगर ये बात सिर्फ रिवायात, अमीरी और गरीबी की होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन ये मामला दुनियाई मसलों से कई गुना बढ़कर है। वो हिंदू हैं और हम मुसलमान।